गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट रूटीन जो मेरा स्किन हेल्दी डाइट एंड हेयर से रिलेटेड होता है। आज मेरा लेग डे है एंड जिस दिन मेरा लेग डे रहता है उसके दूसरे दिन से मेरा बॉडी में बहुत पेन होता है बिकॉज लेग डे में बहुत हेवी वर्कआउट होता है, बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग होता है जिसके वजह से थोड़ा बहुत पेन रहता है। बट आई लव इट, मुझे ये दर्द भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे वर्कआउट तो मेरा फेवरेट टॉप लिस्ट में है बिकॉज वर्कआउट करने से हमारे जब 40 के पार हम लोग हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा बॉडी में कितना ज़्यादा फ़ायदा, उसका बेनिफिट, क्योंकि आपको घुटनों का दर्द नहीं होता है, बैक में पेन नहीं होता है, आपका बोन्स स्ट्रांग रहता है, बात बात में हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन आपको लेना नहीं पड़ता है और भी बहुत सारा बेनिफिट है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था। और वर्कआउट करते हुए अब मैं 6 ईयर में एंटर करने वाली हूँ, तो 5 साल तो हो गया, अब 6 साल होने जा रहा है एंड 6 साल से मेरा सेम ट्रेनर है। एक्चुअली मेरा जो ट्रेनर है उन्हीं का ये जिम न्यू है, तो मेरा घर जैसा ही है जिम बिकॉज अपना ही है। और जो मेरा सर है वो मेरे बड़े भाई जैसा है, बहुत अच्छे हैं एंड बेस्ट ट्रेनर है, बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेन करता है एंड बहुत अच्छे से ट्रेन करता है। सो ट्रेनर रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप वर्कआउट कर रहे हो जिम पे, वेट लिफ्टिंग में आप हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कितना आपको अप करना है, डाउन करना है, कितना वेट में आपका बॉडी का जो टेक्सचर है वो कितना स्ट्रेट होना चाहिए। सिर्फ वीडियो में फैंसी चीज़ें देख के चीज़ें करोगे तो आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाओगे, इंजरी भी हो सकता है एंड उस टाइम कोई भी इन्फ्लुएंसर आके आपका इंजरी ठीक नहीं करेगा ना आपको बचाएगा। सो आप जो भी करोगे अपने समझ के साथ करोगे, घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो योगा करो, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो विदाउट एनी लिफ्टिंग हैवी वेट एंड अगर जिम पे आ रहे हो तो ट्रेनर के साथ हैवी लिफ्टिंग करो। ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर पाओगे कोई बात नहीं, फ्री हैंड वर्कआउट बहुत सारा जिम में होता है, वो सारे चीज़ आप करो। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पोस्चर को समझना होता है, जैसे कि सर मुझे दिखा रहा था अब मेरा थर्ड सेट होगा तो उसमें मेरा वेट यहाँ पे बढ़ा दिया है, दोनों साइड 20-20 करके मेरा वेट है, मतलब मेरे को 40 किलो वेट अपने कंधे पे लगाना है। तो सर मेरे साथ डिस्कस कर रहा था मुझे कितना करना है, कितना सांस लेना है, छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर एक छोटे छोटे बिट को पकड़ना। इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी घर पर नहीं दिखाया आज तक कि आप लोग हैवी लिफ्टिंग करो, नो, कभी भी नहीं। घर पर कर रहे हो तो आप नॉर्मल वर्कआउट करो, फ्री हैंड वर्कआउट करो, योगा करो, घर के लिए बेस्ट है, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा अच्छा है हम सबको पता है, पर वर्कआउट को समझ के करना एंड बॉडी में उसका रिजल्ट आना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट वीडियो बना रहे हो यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में आप सेक्सी सा ड्रेस पहन के आप थोड़ा सा दिखा दे रहे हो अपना पिछवाड़ा अपना सामने, ये सबसे कुछ नहीं होता, रियलिटी यही है। आपको वर्कआउट में डीप में जाना होता है, बॉडी का एक पार्ट जहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे हो जिसके लिए वहाँ पे पेन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स रहता है। गलत वेट ट्रेनिंग से फ्यूचर में प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डीप बातें हैं। तो मैं तो अपने हर एक सिस्टर को यही बोलूँगी, आप वर्कआउट कर रहे हो तो फ्री हैंड वर्कआउट करो, अगर जिम नहीं जा पा रहे हो या फिर योगा करो, उससे ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग या फिर कुछ भी लेके 2-3 किलो का घर पे सामान लेके भी मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कितना तक प्रेशर कहाँ पे देना होता है। सो इसलिए मैं ये सारी चीज़ को मना कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेनर के साथ इतना साल पे वर्कआउट कर रही हूँ फिर भी मेरा ट्रेनर है। बॉलीवुड में देखोगे तो हर एक सेलिब्रिटी के पास ट्रेनर है, क्यों? क्योंकि विदाउट ट्रेनर लिफ्टिंग एकदम भी सही नहीं होता है। तो ये सही तरीके से मुझे आप लोगों को गाइड करना था इसलिए मैंने बोला, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग समझ ही सकते हो। वर्कआउट के बाद मेरा ट्रेनर ही मेरा स्ट्रेचिंग करता है एंड वहाँ पे 2-3 और लड़की थी इसलिए मैंने सूट नहीं किया था, क्योंकि किसी का प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती है। तो स्ट्रेचिंग मेरा हो गया, स्ट्रेचिंग से बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होता है एंड मसल भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। घर पर भी वर्कआउट कर रहे हो फिर भी आप सिंपल सा स्ट्रेचिंग कर सकते हो।
जिम से आके सबसे पहले मैं अपना हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि जिम में बहुत सारा मशीन होते हैं, डंबल होते हैं जो टच करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना हैंड वॉश करो। मैं कभी कभी जिम पे भी कर लेती हूँ, पर कोशिश करती हूँ घर पे आके मैं अच्छे से अपना हैंड को वॉश करूँ। फेस को अभी क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिम से निकलते वक्त प्लेन वाटर से अपने फेस को क्लीन करके मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया था। वर्कआउट के बाद प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने एक बॉयल करने रख दिया है। और जिम से आते ही मुझे नायका के पार्सल सुबह सुबह रिसीव हो गया है। बहुत टाइम से मेरा विश लिस्ट में था, वो है ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड बिग बॉटल में। इसका बहुत सारा मल्टीपर्पज़ यूज है, यूज़ करेंगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट है डॉट एंड की का, यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लिया है। ये सनस्क्रीन जब हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं तब भी लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर दिया है। एंड हाइप का मैंने 2 लिप बम ऑर्डर दिया था और सनस्क्रीन, सो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, कैसा है नहीं है वो भी मैं आप लोगों के साथ फीडबैक शेयर करूँगी। 2 लिप बम है, एक है SPF वाला, एक है नॉर्मल वाला, तो मेरे पास लिप बम नहीं था। कॉसारेक्स का मॉइस्चराइजर मुझे ट्राई करना था, इसलिए इसको मैंने परचेस किया है। न्यूट्रीजिना का मॉइस्चराइजर पहले यूज़ किया है, बेस्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मैंने इसको रिपर्चेस किया है। मैंने एक कंसीलर भी लिया है मेवेलिन का, एंड मैंने लिया है हेयर मास्क। लव एंड ब्यूटी का हेयर मास्क का मैंने बहुत अच्छा रिव्यू सुना है, तो इसको मैं आज यूज़ करूँगी, फिर मैं फीडबैक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई भी स्किन प्रोडक्ट जब ख़त्म होता है तो नेक्स्ट टाइम जब परचेस करना होता है सेम प्रोडक्ट मैं रिपर्चेस नहीं करती हूँ, चाहे कितना भी अच्छा हो। मैं न्यू कुछ ट्राई करती हूँ और मैं न्यू ट्राई करूँगी, उसका फीडबैक फिर मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर पाऊँगी, इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं जेन्युइन फीडबैक शेयर करूँ। एक्सटर्नल हो गया, अब इंटरनल की बात आती है। तो मैं सुबह सुबह जूस पीती हूँ और मैं अपना स्किन हेयर ओवरऑल बॉडी का ही टेक केयर करती हूँ इंटरनली। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जूस पीऊँ मॉर्निंग पे, और मैं डिफरेंट डिफरेंट जूस पीती हूँ। कभी मैंने रेड जूस पी लिया, कभी मैं ग्रीन जूस पी लेती हूँ, कभी पाइनएप्पल, कभी कभी स्मूथी भी बना लेती हूँ, पर स्मूथी थोड़ा कम पीती हूँ। मैं हर एक चीज़ अपने बॉडी में देना चाहती हूँ ताकि एक एज पे आके मेरा बॉडी हेल्दी रहे, और कोशिश करती हूँ मैं नेचुरल जूस पीऊँ, ना कि मार्केट में कोई भी जूस जो मिलता है वो सारे जूस मैं नहीं पीती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर पे बनाओ, मिक्सर ग्राइंडर में बनाओ, जूसर में बनाओ और पियो अपने हाथ से। एंड जूसर जब बन जाता है उसके बाद जो मेरे पास कैरेट बीटरूट जो भी है ये पूरा ड्राई हो जाता है, क्योंकि जूस तो पूरा निकल गया। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं चीला बनाने के टाइम पे ऐड करती हूँ अपने चीला पे, बहुत टेस्टी लगता है। या फिर अपने आटा में मिक्स करके मैं पराठा बना के खाती हूँ, पर मैं वेस्टेज कभी भी नहीं करती हूँ। इस तरीके से जो भी मेरा कैरेट बीटरूट का जो भी मेरा छिलका रहता है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग भी यूज़ करना, बहुत यम लगता है खाने में। एंड जूस रेडी हो चुका है, एंड इस जूस का खासियत यही है कि इसमें ऑन ड्रॉप भी पानी नहीं है, जो भी है एकदम सॉलिड जूस है। तो जब भी पीते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार अपने बॉडी को कुछ अच्छा चीज़ दे रही हूँ। तो आफ्टर वर्कआउट मैं यही अपना पहला मील लेती हूँ, मैं एक बॉयल खाती हूँ 2, एंड मैं यहाँ पे जूस लेती हूँ। एंड योलो वाला जो पार्ट है वो मैं एक बॉयल का मैं पूरा खाती हूँ, दूसरा वाला मैं नहीं खाती हूँ, मैं अपने बिल्ला को खिलाती हूँ। तो यही मेरा पोस्ट वर्कआउट फर्स्ट मील है। अपने बॉडी को खाना देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खाना देना। एंड आफ्टर वर्कआउट चाहे घर पे करो या फिर आप जिम पे करो, आप अपना डाइट का हमेशा टेक केयर करो कि आप क्या खा रहे हो। थोड़ा सा अपने हाथ से ही बना लो, क्योंकि हमेशा मम्मी ला के देगी ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, खुद का ध्यान खुद रखना पड़ता है। एंड सुबह सुबह स्किन हेयर ओवरऑल बॉडी का केयर हो गया इंटरनली। अब जल्दी से हेयर मास्क अप्लाई कर लूँगी। तो ये जो हेयर मास्क है ये आपको ज़्यादातर गीला बालों में करना होता है आफ्टर वॉश, पर कल ही मैंने अपना हेयर वॉश किया था तो मेरा हेयर गंदा नहीं है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। अगर गंदा होगा तो पहले शैम्पू कर लेना, उसके बाद हेयर मास्क को यूज़ करना है। हमारे जो ब्यूटी रूटीन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको कम से कम वक्त में हम लोग अपना सेल्फ केयर कर सके वैसे ही सेट किया जाए, क्योंकि ज़्यादा वक्त लेके केयर करने के उतना वक्त
लोगों के पास आजकल है नहीं, क्योंकि बिजी लाइफ चलता है, ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, घर पे सब काम रहता है, अब दिन भर लिपापोती तो नहीं कर सकते हैं ना, तो कम से कम वक्त में कैसे खुद का टेक केयर करो, चाहे स्किन केयर भी हो जाए, हेयर केयर भी हो जाए एंड ओवरऑल बॉडी का भी केयर हो जाए। इसलिए वीकेंड में एक दिन ऐसा टाइम रखो कि अपना थोड़ा सा वक्त लेके हम अपना केयर कर सके, बाकी टाइम पे झटपट जो हो सके घर पे जो है आपके आसपास में जो सारी चीज़ें उसी से अपना केयर कर लो, ताकि मेंटेनेंस भी रहे और आपका स्किन हेयर सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो, हेल्दी रहे। 10 मिनट में अपना हेयर मास्क को रखूंगी, तब तक अपना स्किन के लिए मैं यूज़ करूंगी टोमेटो। टोमेटो बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। सुबह सुबह करेंगे मिनी स्किन केयर, टोमेटो को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि नेचुरल ब्लीच है एंड रिड्यूस करता है एक्सेस ऑयल को, रिमूव करता है डेड सेल को, प्रिवेंट एक्ने को, स्किन को ब्राइट करता है, टैन को रिमूव करता है, हमारे जो पोर्स है उसको टाइट करता है। एंड टोमेटो बहुत अच्छे से डीपली आपकी स्किन को क्लीन करता है, तो एक नेचुरल फेस वॉश है। तो हो गया ना सुबह सुबह झटपट से एक छोटू सा स्किन केयर जिसका इतना सारा बेनिफिट है। और हम सबके घर पे टोमेटो तो होता ही है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो हो गया ना 5 मिनट में अपना स्किन केयर। जिम से आने के बाद 40 मिनट एक घंटा बाद ही मैं नहाती हूँ और उसके बीच में बहुत सारा काम भी कर लेती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और अपना हेड को अब मैं वॉश कर रही हूँ। एंड ये मास्क अच्छा लगा क्योंकि मेरा हेयर वाकई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। सो ये मास्क जैसे मैंने सुना था रिव्यू इसका अच्छा था, तो सच में अच्छा है। यहाँ पे मैं लव एंड ब्यूटी का ही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। कभी भी कोई भी शैम्पू आप यूज़ करो, वहाँ पे पैराबेन फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, वो आपके हेयर को डैमेज नहीं करता है। एंड स्कैल्प में डायरेक्ट शैम्पू यूज़ मत करना, पानी में अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना, उसके बाद यूज़ करना, वो ज़्यादा बेटर रहता है, आपके हेयर हेल्दी रहता है। जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं, चाहे घर पे करें या फिर जिम पे करें, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, जिसके वजह से क्या होता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा एक्ने भी होता है, क्योंकि स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है, इचीनेस आ जाता है, इसके वजह से हेयर फॉल भी शुरू होता है। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन स्कैल्प अगर क्लीन रहता है, हमारा हेयर भी फ्रेश रहता है और हमारी स्किन भी क्लीन रहता है। एंड यहाँ पे मैंने कंडीशनर अप्लाई नहीं किया क्योंकि नीड नहीं था, हेयर सॉफ्ट हो गया था। आपको अगर नीड हो तो कंडीशनर भी अप्लाई करना। एंड अब मैं करूँगी अपना फेस को वॉश। जब भी मैं नहाती हूँ, पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर लास्ट में मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, तो अभी मैं फेस वॉश करूँगी। यहाँ पे मैं फेस क्लींजर पैड यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने मेसो से लिया था। इससे बहुत अच्छे से फेस क्लीन हो जाता है, जितना भी डर्ट्स रहता है वो रिमूव हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाता है स्किन। फेस के लिए हमेशा अलग से टॉवल यूज़ करना, एंड टॉवल अगर नहीं है तो सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करो, जैसे कि घर पे कोई पुराना कपड़ा हो गया, मम्मी का साड़ी हो गया, आपका दुपट्टा हो गया, या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा जो पुराना हो गया उसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड जो बिगिनर है या फिर जो लोग कॉलेज स्कूल में है, टीनेज है, कोई ज़रूरत नहीं है टॉवल वॉल खरीदने के लिए, आप लोग मम्मी का कपड़ा यूज़ करो पुराना, वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं तो अपना टीनेज लाइफ में पूरा लाइफ ही मैंने अपना मम्मी का साड़ी यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बेस्ट भी है। स्किन रूटीन में फर्स्ट मेरा क्लींजिंग रहता है, जो मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं टोनर अप्लाई किया है, टोनर जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद अप्लाई करेंगे सीरम। सीरम मेरा फेवरेट एक ही है, वो है ऑर्डिनरी का पिंक बैरियर सीरम, और मैं इसको लेके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, एक ही सीरम यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से और मेरे को सूट भी किया है। फिर नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर, तो आज मैंने उद्घाटन कर लिया है न्यूट्रीजिना का मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरे पास एक्वालॉजी का मॉइस्चराइजर था, वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर दिया था। एंड ये मैं काफ़ी वक्त बाद यूज़ कर रही हूँ, पहले भी मैंने इसको यूज़ किया था, बहुत ही लाइट वेट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1150 का ये आता है, बट बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, लाइट वेट है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है और बहुत टाइम बाद भी मैंने इसको रिपर्चेस किया। एंड इसके बाद मैं न्यू आज सनस्क्रीन लगा रही हूँ। आज कुछ कुछ प्रोडक्ट आप लोगों को न्यू दिखने मिलेगा मेरा स्किन केयर में। एंड हाइफिन का मैं अभी सनस्क्रीन लगा रही हूँ, एकदम बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है, तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और इसको पूरा बॉटल में जब ख़त्म कर लूँगी उसके बाद इसका मैं फीडबैक शेयर करूँगी, पर अभी जो मैं इसको टच करके लगा रही हूँ तो ऑफकोर्स ये लाइट वेट तो लग रहा है, काफ़ी हाइड्रेटिंग भी लग रहा है, तो पूरा बॉटल ख़त्म होने के बाद मैं रिव्यू दूँगी आप लोगों को।
नेक्स्ट है विज केयर का SPF बॉडी लोशन। बॉडी के लिए अच्छा है क्योंकि आपका बॉडी को ऑलरेडी हाइड्रेट भी कर रहा है एंड साथ ही साथ भी SPF है तो बॉडी को सनलाइट से प्रोटेक्ट भी कर रहा है, सन टैन भी नहीं होने देगा। तो यही है मेरा पोस्ट वर्कआउट स्किन केयर रूटीन जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सबको ही फॉलो करना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट रूटीन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। सो डाइट हमेशा हाई प्रोटीन लेना, चाहे आप घर पे वर्कआउट करो या फिर जिम पे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ साडो ब्रेड ज़्यादा हेल्दी होता है अदर्स ब्रेड से। वैसे आप नॉर्मल मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं जो बना रही हूँ अपना लिए वो है साडो ब्रेड एवोकाडो टोस्ट। दोनों एक साथ बहुत अच्छे से टेस्ट लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे साडो ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। एंड आजकल मैं बहुत ही अच्छे से अपना डाइट को प्लान करती हूँ एंड एवोकाडो को मैंने अपने रूटीन पे ऐड किया है। इससे मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आया है अपने हेयर क्वालिटी पे और स्किन पे भी, क्योंकि एवोकाडो हमारे स्किन को हेल्दी करता है, हेयर को भी हेल्दी करता है। एवोकाडो ऐड करने से हमारे मेंटल हेल्थ बहुत हेल्दी रहता है। तो मैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आजकल डाइट पे फोकस कर रही हूँ कि जो जो चीज़ अच्छा हो सके मेरा मेंटल हेल्थ के लिए मैं वो ऐड कर रही हूँ। एंड ये प्रिवेंट करता है कैंसर को, ये हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए तो अच्छा है ही एंड डिप्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये लोअर रिक्स रहता है डिप्रेशन का। तो एवोकाडो का ना बहुत सारा फ़ायदा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर मैंने ये सोच के ऐड किया है कि मैं अगर ठीक रहूँगी, हेल्दी रहूँगी तो दवा तो नहीं खाना पड़ेगा या फिर जो डॉक्टर को देना तो नहीं पड़ेगा या फिर हॉस्पिटल का बिल से, तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा है। तो हफ्ते में मैं सिर्फ 3 दिन एवोकाडो को अभी ले रही हूँ ताकि मेरा ब्रेन का हेल्थ एंड मेरा ओवरऑल स्किन भी अच्छा रहे। तो एवोकाडो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये सोच के साथ अपना थोड़ा सा डाइट को चेंज करना कि डॉक्टर को देने से अच्छा है, बीमार पड़ने से अच्छा है या फिर बाहर का कुछ भी अजीब बर्गर पिज़्ज़ा खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा हेल्दी खाना खाओ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर चलेगा, पर हमारा हेल्थ से ज़्यादा, हार्ट से ज़्यादा और हमारे लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। ब्रेड पे थोड़ा सा घी लगा के मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया है, अब मैं एवोकाडो लगाऊंगी। तो पोस्ट वर्कआउट जो मेरा मील होता है वो हमेशा थोड़ा हेवी ही रहता है एंड मैं नया नया जो रेसिपी हो ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा खाने का शौकीन तो रही हूँ बट मुझे हेल्दी भी खाना होता है। तो इसीलिए मैं न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ एंड हर एक चीज़ मैं खाती हूँ ताकि मेरा बॉडी को फ़ायदा हो। आप बेसन का चीला ले सकते हो, मूंग दाल का चीला ले सकते हो, डोसा बना सकते हो, इडली बना सकते हो, बहुत सारा पोहा बना सकते हो, दालिया बना सकते हो। बस अपना जो वर्कआउट का जो मील होगा वो प्रोटीन होना चाहिए एंड आप पनीर भी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ आप अपने वर्कआउट में ले सकते हो। वर्कआउट के बाद ही 10 से 15 मिनट में ही प्रोटीन पाउडर लिया जाता है, पर आजकल मैं प्रोटीन पाउडर नहीं ले रही हूँ और घर मेरा पास ही में ही जिम से, तो इसलिए मैंने घर पे आके ही एक बॉयल ले लिया था, जूस ले लिया था। उसका एक घंटा बाद ही मैं अपना मील ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि पोस्ट वर्कआउट के बाद टाइम से हम अपना मील लें ताकि बॉडी रिकवरी हो सके। सेल्फ केयर और सेल्फ लव तभी होगा जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद का केयर करोगे, खुद हेल्दी रहोगे, तभी आप अपने घर वालों को देख सकते हो, अपने लव्ड वन को देख सकते हो। तो खुद से प्यार करना सीख लो और खुद का ध्यान रखना भी सीख लो। और ये रहा मेरा सिंपल सा पोस्ट वर्कआउट रूटीन जो हर कोई फॉलो कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, बेसिक सा है। तो आई होप आज का वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा और अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेहरबानी होगी, और मुझे बहुत सारा प्यार देना। फिर मैं मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, अच्छे से रहो और हेल्दी रहो। बाय।